हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके आईफोन में ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ये क्या प्रॉब्लम है और आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहां पर इस वाली एप्लीकेशन को जैसे ही मैं ओपन करता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाती है। तो जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपका जो डिवाइस है उसका वर्जन कितना है। अगर दोस्तों अगर आपके पास iOS 12 है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, अगर आपके पास iOS 13 या 14 या 15 है तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब दोस्तों ध्यान रहे, जब भी आप ऐप स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐप स्टोर में जाता हूँ और जो एप्लीकेशन अभी ऑफ़ हो रही थी ऑटोमेटिकली, मैं उसको सर्च करूँगा। तो यहाँ पर मैं उस एप्लीकेशन को सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं उस एप्लीकेशन को सर्च करूँगा और एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन निकल के आ चुकी है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है iOS 15 कंफर्टेबल। दोस्तों ये iOS 15 में काफ़ी स्मूथ चलेगी और iOS 14 में और 13 में भी चलेगी, लेकिन iOS जो 12 है उसमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो आपके पास अगर अपग्रेडेड वर्ज़न है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अगर आपके पास iOS 13, 14 या 15 है और उसमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करेंगे। अगर आपके पास अपग्रेडेड वर्जन है फिर भी आपका जो ऐप है वो इसी तरीके से बंद हो रहा है, तो इसी तरीके से अगर ऐप बंद हो रहा है और आपके पास अपग्रेडेड वर्जन है तो आपको इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे और एक जनरल का ऑप्शन है, आपको सिंपल से जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको, आईफोन स्टोरेज, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। आईफोन स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके डिवाइस के एप्लीकेशन जो होंगे वो यहाँ पर निकल के आएंगे। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं उसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है जिस एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। तो यहाँ पर मैं उसी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पर मैं उस एप्लीकेशन को ढूँढ लेता हूँ। तो आपको भी उसी एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। तो देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आ चुकी है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑफलोड ऐप पर क्लिक कर देना है। ऑफलोड ऐप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑफलोड ऐप कर देना है। अब दोस्तों आपका जो ऐप है वो यहाँ पर आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपको बैक चले जाना है और आपको अपना जो ऐप है वो रीइंस्टॉल करना है। लेकिन अभी आपको रीइंस्टॉल नहीं करना है, इससे पहले आपको करने का है पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो स्लाइड टू पावर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल से अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। मोबाइल को स्विच ऑफ करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑन करना है। तो मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑन कर लेता हूँ, तो आपको भी अपने मोबाइल को स्विच ऑन कर लेना है। तो स्विच ऑन करने के बाद अब आपको उसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईफोन है वो, अभी मैं यहाँ पे स्विच ऑन कर लेता हूँ। स्विच ऑन करने के बाद और जो अभी आपको एप्लीकेशन जो मैंने बताई है या फिर आपके मोबाइल में जो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिक क्लोज़ हो रही है, तो आपको सबसे पहले तो ऑफलोड ऐप कर देना है और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है और उस एप्लीकेशन को दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ये वाली जो एप्लीकेशन है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, अब इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं इंस्टॉल होने लगी है ये एप्लीकेशन। तो आपको भी इसी तरीके से इंस्टॉल कर लेनी है एप्लीकेशन और अब आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो आप समझ जाएं कि आपका जो अगर आपके पास iOS है तो आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, और अगर आपके पास अपग्रेडेड वर्जन है, अगर iOS 14 या 15 है, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।